वोडाफोन आइडिया के शेयर्स के प्राइस लगातार गिरते ही जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपको वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टमेंट्स के साथ क्या करना है। क्या आपको वोडाफोन आइडिया के शेयर्स को बेचना है, क्या आपको वोडाफोन आइडिया के शेयर्स को खरीदना है या आपको होल्ड करना है, और आखिर वोडाफोन आइडिया के शेयर्स की प्राइस लगातार क्यों गिरते जा रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आप लोगों ने वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में पिछले एक साल से इन्वेस्टमेंट किया है तो वोडाफोन आइडिया के शेयर्स पिछले एक साल से कुछ इस तरीके से गिरते जा रहे हैं। कंपनी को बहुत ही ज्यादा मैसिव लॉसेस हुए हैं और इसी चीज का इम्पैक्ट हम लोगों को कंपनी के शेयर्स के प्राइस में देखने को मिला है। तो सबसे पहले आज की वीडियो में ये जान लेते हैं कि आखिर वोडाफोन आइडिया के शेयर्स के प्राइस के नीचे जाने के पीछे का रीजन क्या है, आखिर वोडाफोन आइडिया के शेयर्स क्यों गिरते ही जा रहे हैं। तो वोडाफोन आइडिया के शेयर्स के गिरने के पीछे सबसे पहला रीजन है कि कंपनी का जो डेट है वो इंक्रीज होते जा रहा है और कंपनी के डेट के कंपैरिजन में जो कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है वो बहुत ही कम है। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं तो अगर कंपनी का रेवेन्यू 2 रुपए का है तो कंपनी का जो डेट है वो 5 रुपीज का है। मतलब यहाँ पर डेट बहुत ज्यादा है और इतना ज्यादा है कि कंपनी रीपे नहीं कर पा रही है। इसीलिए हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेट का रीपेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वोडाफोन आइडिया के शेयर्स को ले रही है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि कैसे क्या प्रोसेस होने वाला है और क्या अपडेट है। अगर आपको जानना है तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि वोडाफोन आइडिया के जो Q3 का रिजल्ट था वो एक्सपेक्टेशन से काफी नीचे था। इससे पहले कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव में था, लेकिन अब से कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो भी कम होते हुए दिखाई दे रहा है। तीसरी चीज ये है कि कंपनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। और तीसरा मेजर इंपॉर्टेंट रीजन है इस कंपनी का बढ़ता हुआ लॉस। जितना ज्यादा लॉस बढ़ रहा है उतना ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर आपने पहले से इन्वेस्टमेंट किया भी है तो आपने अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को होल्ड किया होगा या मजबूरी में अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को लॉस में बेचा होगा। तो इन्हीं तीन मेजर रीजन की वजह से वोडाफोन आइडिया के शेयर्स की प्राइस गिरते जा रही हैं। लेकिन क्या आपको वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके ऊपर भी एक डिस्कशन कर लेते हैं। वोडाफोन आइडिया के शेयर्स की प्राइस लगातार गिरते ही जा रही है और इसी के साथ साथ अगर मैं कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करूं तो कंपनी के फंडामेंटल्स भी दिन ब दिन वीक होते जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं डेफिनेटली आपको बहुत ही मैसिव लॉस होने के चांसेस हैं, क्योंकि इस कंपनी के मेजोरिटी शेयर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाने वाले हैं और हम सभी ने गवर्नमेंट कंपनीज को ऑब्जर्व किया है, उन कंपनीज की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही कम होती है और इसीलिए यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आपने वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है, आप सोच रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में और इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, यहाँ पर मेरे इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट जो है वो एवरेज हो जाएगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। यस बैंक के केस में भी ऐसा ही हुआ था और हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है अपने एवरेज कॉस्ट को कम करने के लिए, लेकिन एट द एंड लोगों को लॉस ही हुआ था, कोई प्रॉफिट हुआ नहीं था ज्यादा। तो आज के छोटे से इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूं कि वोडाफोन आइडिया को लेकर जो भी आपके मन में डाउट था वो क्लियर हो चुका है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।